हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। कंप्यूटर नेटवर्क के ट्यूटोरियल में आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। इससे पहले हमने मल्टीप्लेक्सिंग देखा था, एक्चुअली होता क्या है, कैसे वो वर्क परफॉर्म करता है। तो आज आपकी इसमें टेक्निक है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इज FDM, WDM, TDM। FDM इज अ फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, WDM वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और जो आपका टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है वो आपका दो सब पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक सिंक्रोनाइज TDM होता है और एक असिंक्रोनाइज TDM होता है। तो वन बाय वन हम लोग इनको देखेंगे। तो आज की जो वीडियो हमारी रहेगी वो रहेगी आपकी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में ये होता है, जो भी आपके सिग्नल होते हैं वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको सेंड करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी आपकी यूज होती है वो एनालॉग टेक्निक में यूज होता है। इट इज एन एनालॉग टेक्निक। ये एनालॉग टेक्निक है, जो सिग्नल आपके आते हैं या तो एनालॉग फॉर्मेट में आते हैं या वो डिजिटल फॉर्मेट में आते हैं, 0101 के फॉर्म में। तो जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है वो आपका काम करता है एज इन अ एनालॉग टेक्निक की तरह। सो FDM इज अ टेक्निक इन विच द अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ अ सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम इज सब डिवाइडेड इनटू सर्वल चैनल। जो आपके सिग्नल होते हैं वो बहुत सारे मीडियम में डिवाइडेड होते हैं, देन उसके बाद आप उनको सेंड करते हैं। द इनपुट सिग्नल आर ट्रांसमिटेड इन टू फ्रीक्वेंसी बैंड बाय यूजिंग द मॉड्यूलेशन टेक्निक। जो आपका इनपुट सिग्नल होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी बैंड में डिवाइडेड ट्रांसलेट करता है फ्रीक्वेंसी बैंड में, एंड मॉड्यूलेट होता है आपकी मॉड्यूलेशन टेक्निक के थ्रू। वो क्या होगा आपका सेंड होगा। दे आर कंबाइंड बाय द मल्टीप्लेक्सर टू फॉर्म अ कंपोजिट सिग्नल। वो सारे आपके जितने भी सब डिवाइड किए हैं अपने फ्रीक्वेंसी बैंड को, वो सारे कंबाइन होते हैं आपके मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू एंड एक सिग्नल फिर आपका जनरेट होता है, देन वो नेटवर्क में आपका सेंड होगा। द मेन एम ऑफ FDM इज टू सब डिवाइड द अवेलेबल बैंडविथ इन टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल एंड एलोकेट डेम टू डिफरेंट डिवाइसेज। इसमें क्या होता है आपका जो आपका FDM क्या करता है, जो बैंडविथ होती है उसको डिवाइड कर देता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड में, एंड उसके बाद वो हर एक डिवाइस को एलोकेट कर देता है उस फ्रीक्वेंसी को, एंड देन उसके बाद आपके सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। यूजिंग द मॉड्यूलेशन टेक्निक द इनपुट सिग्नल आर ट्रांसमिटेड इन टू फ्रिक्वेंसी बैंड एंड देन कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपोजिट सिग्नल। वही कंडीशन है कि मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या होता है आपका जो सिग्नल होते हैं इनपुट सिग्नल आर इन अ फ्रिक्वेंसी बैंड के थ्रू आपके सेंड होते हैं एंड देन रिसीविंग एंड पे वो क्या होते हैं कंपोजिट सिग्नल में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं मॉड्यूलेशन के थ्रू। नेक्स्ट है आप द कैरियर्स विच आर यूज टू मॉड्यूलेट द सिग्नल आर नोन एज सब कैरियर्स। दे आर रिप्रेजेंट जो भी आपके फ्रीक्वेंसी होती है F1, F2, F3, इनमें आप डिवाइड करते हैं उस फ्रीक्वेंसी बैंड को एंड रिसीविंग एंड पे वो सारे ट्रांसमिट कंबाइन होते हैं, देन आपका एक सिग्नल जो है वो प्रॉपर क्रिएट होता है। जैसे आप इस डायग्राम को अगर देखेंगे तो देखिए आपके पास सोर्स बहुत सारे हैं, हर एक सोर्स से आपको सिग्नल सेंड करना है। तो मॉड्यूलेटर देखिए, मॉड्यूलेटर F1 है, F2 है, F3, FN है, तो मल्टीपल आपके मॉड्यूलेटर हैं, दे सारे आपके कंबाइन होंगे तो आपका एक मेन सिग्नल जो है वो आपका एनालॉग सिग्नल जो है वो जनरेट होगा। और ये आपका FDM जो है वो मेनली आपका एनालॉग सिग्नल में करता है, जब आपके टीवी नेटवर्क के सिग्नल आते हैं या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है आपकी, वो आपका FDM पे ही काम करता है। अब एडवांटेज की हम लोग बात करते हैं, तो FDM इज यूज फॉर एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल में आपका होता है। देन FDM प्रोसेस इज वेरी सिंपल एंड ईजी मॉड्यूलेशन, ये आपका एक ईजिली मॉड्यूलेशन टेक्निक है और बहुत सिंपल आपका प्रोसेस होता है इसमें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में ही हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल कैन बी सेंड थ्रू दी FDM, मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल है आपका, उनको सेंड करना है तो आप फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करेंगे, उसके बाद उनको साइमल्टेनियसली सेंड, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है वन बाय वन आप उसे क्या करेंगे, सेंड करेंगे। इट डज नॉट रिक्वायर एनी सिंक्रोनाइज बिटवीन दी सेंडर एंड रिसीविंग एंड। सिंक्रोनाइजेशन कुछ नहीं होता है, आप कोई भी सिग्नल पहले आपका आ सकता है, पहले आप सेंड कर सकते हैं, बाद में उनको क्या होता है जब आपके सिग्नल मिल जाते हैं रिसीविंग एंड पे तो वो ऑटोमेटिकली आपके सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है आपका, FDM टेक्निक इज यूज ओनली व्हेन दी लो स्पीड चैनल आर रिक्वायर्ड। इसमें जो होता है लो स्पीड का अगर चैनल है वहीं पर आप इसको यूज करेंगे। इट सफर द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस टार्क, आपकी जो क्रॉस प्रोसेस मतलब अगर सिग्नल क्रॉसिंग की प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम करता है इसमें। लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूलेटर आर रिक्वायर्ड, इसको जो मॉड्यूलेट करना है यानी सिग्नल को कंबाइन करना है तो आपको एक लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूलेटर की जरूरत होगी, हैवी मॉड्यूलेटर आपको चाहिएगा। इट रिक्वायर अ हाई बैंडविड्थ चैनल, ये एक हाई बैंडविड्थ चैनल होता है आपका, तो बैंडविड्थ भी आपको ज्यादा चाहिए, ये इसके एक डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं तो आपको पता FDM जो है मेनली आपका टीवी नेटवर्क है, रेडियो नेटवर्क, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, वहां पर आपका यूज होता है। इट इज यूज इन FM,
एफएम रेडियो आपके होते हैं एएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम जो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। ब्रॉडकास्टिंग ईच एफएम रेडियो स्टेशन हैज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, हर एक रेडियो स्टेशन की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका एफएम रेडियो जो होता है वो वर्क करता है। आपने देखे भी होंगे डिफरेंट सिग्नल आते हैं, जो सिग्नल आपका कैच हो जाता है उस पर आपका वर्क होना परफॉर्म हो जाता है। एंड दे आर मल्टीप्लेक्स टू फॉर्म अ कंपोजिट सिग्नल, दी मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल ट्रांसमिटेड इन अ एयर। ये सारे आपके जो सिग्नल होते हैं वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, उसी के थ्रू आपका डेटा जो होता है वो एक्सेस होता है। तो ये आपकी पहली टेक्निक थी मल्टीप्लेक्सिंग। सो फर्स्ट टेक्निक है आपकी एफडीएम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डब्ल्यूडीएम, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कैसे वर्क करता है, क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।